आइए एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। टास्क के 5 कार्ड्स डायमंड का 10, जैक, क्वीन, किंग और एस को पलटकर अच्छी तरह से सफल किया जाता है, फिर इनमें से रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह कार्ड एक क्वीन है? यदि क्वीन निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अदर कार्ड निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा निकाला गया कार्ड एक एस है, एक क्वीन है? आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव ओनली 5 कार्ड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 5 कार्ड्स है, 5 कार्ड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 5 कार्ड्स है। हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास सिर्फ 5 कार्ड्स है, इन्हीं 5 कार्ड्स को सफल करके एक कार्ड निकाला जा रहा है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी पॉसिबल रिजल्ट्स जो होंगे वो 5 होंगे। हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, अब इन कार्ड्स को सफल कर दिया जाता है और उसके बाद एक कार्ड निकाला जाता है, तो वो कार्ड जो निकलेगा वो इन 5 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी पॉसिबल रिजल्टों की संख्या है 5। अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड एक क्वीन होगा? नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो 5 कार्ड्स हैं उनमें से क्वीन सिर्फ एक ही है, तो नंबर ऑफ क्वीन 1। हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। टोटल 5 कार्ड्स हैं, उनमें से 1 कार्ड क्वीन का है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है जिसके निकलने पर हम कह सकते हैं कि क्वीन प्राप्त होने का इवेंट हुआ है, क्योंकि क्वीन का कार्ड सिर्फ एक ही है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/5। पॉसिबल आउटकम्स है 5 और फेवरेबल आउटकम्स है 1, तो क्वीन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यदि क्वीन निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन कार्ड निकाला जाता है, तो जब क्वीन को निकाल के अलग रख लिया जाता है तो कार्ड की संख्या बचेगी 5-1 इज इक्वल टू 4। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट इनसाइड देन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 5-1 इज इक्वल टू 4। टोटल पहले हमारे पास 5 कार्ड थे, उनमें से एक कार्ड क्वीन को रख लिया जाता है तो टोटल कार्ड बच जाएंगे 4, तो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 4। हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अब एक अन कार्ड निकाला जाता है और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक इक्का होगा? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। इक्को की संख्या जो है वो सिर्फ एक है, हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। यानी सिर्फ एक ही ऐसा कार्ड है जिसको मिलने पर हम कह सकते हैं कि एस मिलने की इवेंट हुई है, क्योंकि इक्को की संख्या सिर्फ एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है, क्योंकि एक ही कार्ड इक्के का है, और जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 4 है, क्योंकि क्वीन को अलग रख लिया गया है, तो कार्ड जो अब बचे हैं हमारे पास वो 5-1 4 बचे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक एस प्राप्त करने की 1/4। ये सेकेंड पार्ट में ए नंबर का आंसर था। अब हम बी नंबर सॉल्व करेंगे। बी नंबर में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्वीन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 0। पहले टोटल 5 कार्ड्स थे,
उनमें से वन क्वीन थी। उसके बाद क्वीन को अलग निकाल के रख लिया गया, तो टोटल फोर कार्ड बचे और उनमें से कोई भी क्वीन नहीं है, तो क्वीन की संख्या जीरो हो गई। हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसके निकलने पर हम कह सकते हैं कि क्वीन प्राप्त करने का इवेंट हुआ है। ऐसे कार्ड्स की संख्या जीरो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जीरो है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फोर है, इज इक्वल टू जीरो। तो क्वीन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी है जीरो।